बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो कोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और इसमें लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिस्कस किया था। जो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली वो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर है। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो हमारे पास बेसिकली तीन टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। एक है मशीन लैंग्वेज, जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। दूसरी है असेंबली लैंग्वेज, इसको भी हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और चौथी क्या है हमारे पास, हाई लेवल लैंग्वेज। जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है ये बेसिकली क्लोज टू लो लेवल लैंग्वेज है, मतलब कि मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। और जो तीसरी टाइप हमारे पास आती है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस आती हैं। सो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और तीसरी है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सो जो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो क्लोजर टू लैंग्वेज यूज बाय अ कंप्यूटर हैं। जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो कंप्यूटर लैंग्वेज के बहुत ही क्लोज होती हैं, मीन मशीन लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं जीरो एंड वन, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है जीरो और वन को, ठीक है। जो वो वाइल के हाई लेवल लैंग्वेजेस आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो ज़्यादा क्लोज हैं ह्यूमन लैंग्वेजेस के। जिस तरह लेट से कि हम अभी ये बात कर रहे हैं कि इंग्लिश में मैंने कोई बात की, हाय हाउ आर यू, तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो इस तरह की इंग्लिश की स्टेटमेंट्स बीच में यूज़ करती हैं जो कि क्लोज टू हैं ह्यूमन लैंग्वेजेस, ठीक है। सो ये तीन टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। सो अब देखते हैं इनको इंडिविजुअली के मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली क्या है, एंड देन हाई लेवल लैंग्वेज क्या है हमारे पास, ठीक है। सो मशीन लैंग्वेज क्या है हमारे पास, जो मशीन लैंग्वेज है हमारे पास ये इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट्स और बिट्स दैट द कंप्यूटर रीड्स एंड इंटरप्रेट्स। जो मशीन लेवल लैंग्वेज है हमारे पास, ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट्स हैं, ठीक है, जीरो एंड वन, या जिन्हें हम डिजिट्स या बिट्स भी कह सकते हैं, जो कि कंप्यूटर रीड करता है देन उन्हें इंटरप्रेट करता है, क्योंकि कंप्यूटर जीरो वन को ही अंडरस्टैंड करते हैं, ऑन ऑफ या हाई लो कह सकते हैं हम, ठीक है। सो मशीन लैंग्वेजेस आर द ओनली लैंग्वेजेस दैट आर अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर्स। मशीन लैंग्वेजेस ही वो लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, सही है। वाइल इजीली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर्स, उनको कंप्यूटर आसानी से अंडरस्टैंड कर लेता है, ठीक है। और जो मशीन लैंग्वेजेस हैं आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू यूज। जो मशीन लैंग्वेजेस हैं उनको ह्यूमन इतनी जल्दी इतनी आसानी से अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता, और इतनी आसानी से उनको यूज़ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंटायरली कंसिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, वो नंबर्स पे कंसिस्ट कर रही हैं, सही है। सो एक बात आपने माइंड में रखनी है, मशीन लैंग्वेज जो है कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड करता है, इजीली उसे इंटरप्रेट करता है और उसे इजीली समझता है, ठीक है, क्या करना है। जो कि हमारे पास मशीन लैंग्वेज है वो ह्यूमंस के लिए उसको यूज़ करना, अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है, सही है। आगे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया मशीन लैंग्वेज की, और देखें हाई लेवल लैंग्वेज। अगर मशीन लैंग्वेज में हम देखें 169 सारे डिजिट्स हैं, 160 01530 128 153 0129, तो ये आपको, हमें क्या पता कि इन इस तरह का कोड लिखा हो नंबर्स में, तो हमें क्या पता इसका क्या मतलब है, लेकिन कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट कि इनका क्या मतलब है, सही है। सो हाई लेवल लैंग्वेज इस तरह होगी, जिस तरह कोई लूप लगे हुए, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 1000, एक से लेकर 1000 तक है, प्रिंट करे ए प्रिंट करता जाए, सही है। सो हाई लेवल, तो क्योंकि इसको देख के मुझे मतलब समझ आ गया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन ऊपर वाले देख को मुझे सिर्फ यही समझ आया कि वो नंबर्स हैं बेसिकली, उसका मुझे वर्किंग नहीं समझ आई कि क्या करेगा। जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है इसकी वर्किंग जो ह्यूमंस हैं उनको देख के भी समझ आ जाती है, सही है। मशीन लैंग्वेज में एक एग्जांपल है, लेट्स से के देखें हमारे पास एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश है, उसके अंदर एक प्रोसेसर है, उसके अंदर एक मेन मेमोरी लगी हुई, ठीक है। जो प्रोसेसर है क्या कर सकता है, वो रोटेट करेगा जो उसके ब्रिस्टल्स हैं लेफ्ट और राइट, एंड चेक कर सकता है कि ऑन है या ऑफ है स्विच, सही है। सो मशीन इंस्ट्रक्शंस आर 1 byte long, 1 byte long है, और करस्पॉन्ड कर रही हैं जो मशीन्स के ऑपरेशन हैं। बेसिकली इसमें जो मशीन कोड है ये मशीन की इंस्ट्रक्शंस हैं, लेट्स से कि ये 00040 और फिर 40 है हमारे पास, ये इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि स्टॉप कर दे, मशीन का ऑपरेशन क्या है, स्टॉप करे। ये इंस्ट्रक्शन जब होगी तो उसको स्टॉप करेगी, जब ये इंस्ट्रक्शन होगी तो उसको लेफ्ट रोटेट करेगा, जब ये इंस्ट्रक्शन होगी तो उसको राइट रोटेट करेगा, जब ये इंस्ट्रक्शन होगी तो वो क्या करेगा, वो दोबारा से स्टार्ट प्रोग्राम की तरफ चला जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे पास मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन हैं, ठीक है, और ये उसके अगेंस्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर, जब उसको ये कोड मिलेगा तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा बेसिकली,
उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो प्रोग्राम होता है वो असेंबली लैंग्वेज में जब हम रिटर्न होता है तो उसमें क्या होती है, उसमें बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी इस लाइन को। अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कोरिस्पोंड्स टू अ स्ट्रीम ऑफ एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस व्हेन ट्रांसलेटेड बाय एन असेंबलर दैट कैन बी लोडेड इनटू मेन मेमोरी एंड देन कैन बी एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब यह जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें क्या होता है, प्रोग्राम को हम राइट करते हैं असेंबली लैंग्वेज, उसमें भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, जो कि कोरिस्पोंड कर रही होती हैं कुछ एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन को, जिस तरह मैंने आपको ये असेंबली लैंग्वेज की एक इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल दी थी, ये हमारे पास ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है बेसिकली। ठीक है, तो ये भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ये क्या कर रही हैं बेसिकली, क्या कर रही हैं वो ट्रांसलेट इनको कौन करता है, असेंबलर। बेसिकली जो असेंबली लैंग्वेज होती है इसको भी ट्रांसलेट या कन्वर्ट करने को मशीन लैंग्वेज के लिए हमें एक टूल चाहिए जिसको हम असेंबलर करते हैं। असेंबलर क्या कहते हैं, ठीक है, असेंबलर बेसिकली क्या करते हैं, जो असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, उनको लोड करता है इनटू मेमोरी एंड देन उनको एग्जीक्यूट करता है। सही है, सो असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम कुछ की वर्ड यूज़ करते हैं, सिम्बल्स यूज़ होती हैं, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया डॉलर की सिम्बल्स है। ठीक है, की वर्ड्स हैं जिस तरह ऐड आई, इस तरह के की वर्ड्स भी होते हैं, जिस तरह मूव है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है। ठीक है, सो इस तरह के की वर्ड्स होंगे, सिंबल्स होंगे इंग्लिश की तरह। ठीक है, टू फॉर्म अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उन सब से मिलकर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बनाते हैं। बट एट द सेम टाइम हमें एक न्यू प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम होती है, वही जो कि मैंने आपको बताया है कि हमें एक अलग टूल चाहिए जिसको हम असेंबलर कहते हैं, जो कि उसे कन्वर्ट करेगा इनटू मशीन लैंग्वेज। प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द मशीन असेंबली कोड, उसको असेंबली कोड को अंडरस्टैंड नहीं करता, हमें पता है, क्योंकि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन कोड। सो हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है उस असेंबली कोड को मशीन कोड के अंदर। ठीक है, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, सो असेंबली लैंग्वेज को जब हम ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, जो प्रोग्राम या जो टूल यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, असेंबलर। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज की नीचे एक एग्जाम्पल है, देखें ये हमारे पास बेसिकली ये मशीन लैंग्वेज है 10101 से असेंबली लैंग्वेज है। मूव करें जी A1 के अंदर, किसको, इसको H061H को कन्वर्ट कर दें क्या, या मूव कर दें A1 के अंदर। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि मूव द हेक्साडेसिमल वैल्यू, जो हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ठीक है, 61 या 97 इन डेसिमल है, ठीक है, उसको क्या करें, इन टू द प्रोसेसर, उसको प्रोसेसर के रजिस्टर के अंदर, जिस रजिस्टर का नाम A1 है, इस रजिस्टर का नाम A1 है, इसको मूव करके A1 के अंदर क्या कर लें, स्टोर करवा लें, बेसिकली मूव करवा लें। सो ये असेंबली लैंग्वेज की हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है हमारे पास, हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, लाइक सी, सी प्लस प्लस है, जावा है, PHP है, ये हमारे पास क्या हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। उसमें बेसिकली होता क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली है क्या हूँ, ये वो लैंग्वेजेस हैं जो अलाउ करती हैं, अलाउ अस टू राइट कंप्यूटर कोड यूजिंग इंस्ट्रक्शंस रिसेम्बलिंग द एवरीडे स्पोकन लैंग्वेजेस। जिस तरह हम डेली लाइफ में कुछ स्टेटमेंट्स यूज करते हैं अपनी बोलचाल में, हम उस तरह की स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, ठीक है, तो उस लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट, इफ, व्हाइल, ये हम तकरीबन ऑल लैंग्वेजेस के अंदर, सी में, सी प्लस प्लस में, PHP में, जावास्क्रिप्ट में, इन सब में हम यूज़ करते हैं ये प्रिंट, व्हाइल, इफ, ये। तो ये बेसिकली क्या है, ये क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज लैंग्वेज है ना, मतलब कि जो हम डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं। तो मतलब कि जब इस तरह की हम स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे किसी लैंग्वेज के अंदर, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होगी, हाई लेवल लैंग्वेज होगी। ठीक है, जिसको हम देन हम ट्रांसलेट करते हैं इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। सो प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। जो प्रोग्राम्स हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर राइट करते हैं तो हमें उनको करना होता है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, कुछ टूल्स चाहिए होती हैं बेसिकली, ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज के अंदर। सो जो प्रोग्राम हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे हैं तो हमें उन्हें कन्वर्ट भी करना है मशीन लैंग्वेज के अंदर, तभी वो एग्जीक्यूट होंगे हमारे PC के अंदर। ठीक है, जो सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो यूज़ करती हैं कंपाइलर उसको कन्वर्ट करने के लिए, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करती हैं इंटरप्रेटर को। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस हम देख चुके थे जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें। कंपाइलर बेसिकली होल सोर्स कोड को रीड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट कोड में, और जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करेगा रीड करके। सही है,
सो उसके बाद हम देखते हैं जी हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज की। उसमें अदा एसी एसी प्लस प्लस है, जावा है हमारे पास, बेसिक है, कोबोल है, पास्कल है, पाइथन है। तो ये बेसिकली किसकी एग्जांपल्स हैं, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। उसके बाद हम इनका कंपैरिजन चेक कर लेते हैं इन तीनों का, जो मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, और जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। सो टाइम टू एग्जीक्यूट जो पहला पॉइंट है, ठीक है। सो जो मशीन लैंग्वेज है, सिंस इट इज़ बेसिक लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि ये कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज है, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसलेशन। इसके लिए हमें कुछ कन्वर्ट करने के लिए, कुछ कन्वर्जन करने के लिए, कुछ ट्रांसलेट करने के लिए कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हैंस इट इंश्योर्स बेटर मशीन एफिशिएंसी। सो ये हमें बेटर रिजल्ट्स, बेटर मशीन एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सकती है। सो इसका मतलब यह है कि जो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो फास्टली रन होगा, तो हमारा टाइम टू एग्जीक्यूट है वो मिनिमम है। जबकि जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें हमें, क्योंकि एक टूल चाहिए या प्रोग्राम चाहिए जिसे हम असेंबलर कहते हैं, ठीक है, तो वो जो कन्वर्ट करेगा असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर। सो ये वाली जो असेंबली लैंग्वेज है, ये एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज ज़्यादा टाइम लेगी एग्जीक्यूट होने के लिए, क्योंकि पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज के अंदर, तब ये एग्जीक्यूट होगी, सही है। सो जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसको कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर चाहिए, तब वो मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होगी, तब वो एग्जीक्यूट होगी। सो इसके लिए हमें ज़्यादा टाइम दरकार है उसके एग्जीक्यूट होने के लिए। सो हमारे लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, अगर हम इनमें चूज़ करनी पड़ जाए तो मशीन लैंग्वेज विल बी बेस्ट फॉर अस, ठीक है। सो टाइम टू डेवलप, कितना टाइम लगता है इन चीज़ों को डेवलप करने में, कौन सी लैंग्वेज को डेवलप करने में ज़्यादा टाइम लगता है, किसको कम लगता है, तो ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। सो जो हमारे पास आ जाती है सबसे पहली मशीन लैंग्वेज, इसमें नीड्स अ लॉट ऑफ स्किल, इसमें हमें बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हमने राइट करनी है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, बहुत लेंथी भी हो सकती हैं। सो इसमें हमें राइट करने के लिए, मशीन लैंग्वेज को राइट करने में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। सो टाइम टू डेवलप इज़ वेरी लार्ज इन मशीन लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें इसको यूज़ करना आसान है, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये असेंबली लैंग्वेज है। सो इसके जो कोड्स हैं बंदा प्रैक्टिस करे तो इजीली मेमोराइज हो जाते हैं। सो ये कम टाइम लेती है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। और इसी तरह जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये उससे भी ज़्यादा आसान है, ये और ज़्यादा कम टाइम लेती है हमारे पास, ठीक है। इसको डेवलप करने में बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। सो टाइम के लिहाज से देखें तो हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उन पर बहुत कम टाइम लगता है उनको कोड करने में, ठीक है। सो ये इन तीनों लैंग्वेजेस के अंदर जो डिफरेंसेस हैं हमने देख लिए हैं। सो इसके बाद जो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं लाइक बेसिक है, सी प्लस प्लस हैं, जावा है, उनको हम देखेंगे कब डेवलप हुई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इनको देखेंगे, उनके साथ एक एक एग्जांपल भी देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। खुदा हाफिज़।